सलमान खान की फिल्म भारत में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, करोड़ों की लागत से बन रही सलमान खान की फिल्म भारत में हेल्पर के तौर पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों ने फिल्म के कॉन्ट्रैक्टर पर सैलरी ना देने के आरोप लगाए हैं। सलमान खान की फिल्म भारत के कुछ सीन लुधियाना शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर पड़ते बलोवल नाम के गांव में इंडो पाक बॉर्डर जैसा एक सेट बनाकर फिल्माए जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिसको लेकर सलमान खान और कैटरीना कैफ लुधियाना के एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। इस फिल्म में भारत पाक के बंटवारे के दर्द को दिखाया जा रहा है। इस फिल्म में भारी भीड़ को फिल्माने के लिए कई सारे दिहाड़ी मजदूरों को 350 रुपए प्रतिदिन काम पर रखा था। इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान मिलकर करीब 150 के करीब लोग शामिल हैं। दिहाड़ी पर लेने वाले मनदीप सिंह नाम के शख्स ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ने 30,000 रुपए का चेक उसी समय दिया और जब वो बैंक में उस चेक को कैश करवाने के लिए पहुंचे, तो पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ही नहीं है। पीड़ितों का आरोप है कि अब कॉन्ट्रैक्टर उनसे बात तक नहीं कर रहा है, जिसको लेकर अब वो प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उनको उनका मेहनताना दिलवाए। सबकी मदद करने वाले सलमान खान की फिल्म में काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा होना बहुत ही हैरानजनक लग रहा है। हालांकि ये बात अब तक सलमान खान तक पहुंची नहीं है, लेकिन जब सलमान खान को इस बात के बारे में पता चल जाएगा, तब वे इसका सीधा समाधान करेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। सब्सक्राइब टू बिस्कुट टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन योर यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर बॉलीवुड अपडेट फ्रॉम बिस्कुट टीवी।